जी। तो मैडम इस तरह फिर हम इस पे इंशाल्लाह एक कुछ स्पेशल प्रोग्राम रख लेंगे। तो हाँ ये जी दूसरा ये सवाल है मेरा कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, वजीर अजम इमरान खान ने हाल ही में एक ऐलान किया है कि जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ वोट का वादा किया था वो अभी पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि शायद वो बहुत जल्द जो है वो ओवरसीज को वोट का हक दे रहे हैं। उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। कुछ पिछले 7-8 माह से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो रेमिटेंस है वो बहुत ज्यादा भेजा है, रिकॉर्ड रेमिटेंस भेजा है, पैसे भेजे हैं। दूसरी पार्टीज जो है वो सरापा एहतजाज है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या नुकसान है अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट मिल जाए, तो वोट का हक मिल जाए? हाँ जी हाँ जी, मैं जो आपको इस पे बताना चाहूंगी वो ये है कि माशाल्लाह से हमारे वजीर आजम जो है इमरान खान साहब, ही इज वेरी इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा लॉयल है हम अपने आवाम के साथ, और स्पेशली ओवरसीज का बहुत ज्यादा दर्द रखते हैं। और हर एक पोर्टल पे, बल्कि हर एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने पाकिस्तानियों जो ओवरसीज है, जिस जिस दुनिया में, जिस भी मुल्क में बस रहे हैं, उनको वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पे उनके लिए आवाज भी उठाते हैं। अब मसला ये आ जाता है कि जो उनकी कैबिनेट है, कैबिनेट चूंकि वो डिफरेंट डिफरेंट अदर पार्टीज की सारी मिलके तो फिर ये कैबिनेट बनी हुई है ना, तो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने सिर्फ वादे कर दिया लेकिन कभी भी किसी ने ओवरसीज को वोट का राइट नहीं दिया ना। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइक उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया, बहुत सारा इसके ऊपर एहतजाज आ गया, फिर बहुत सारे लोगों ने जो कि पोलिटिकल पार्टीज ने ये कहा कि इसमें जी वो हो जाएगी, करप्शन हो जाएगी वोट्स के मामले में और ये हो जाएगा तो इसमें धांधली कर लेंगे। तो ये तो एक अलग से बहस है, ये तो एक सेपरेट इशू है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप उनको ओवरसीज को राइट तो दे, वही जैसे कि आप कह रहे हैं ये रिकॉर्ड रेमिटेंस जो है वो ओवरसीज ने भेजा, और ओवरसीज का एक बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान के हर जो है शोबे को चलाने में। उसमें रीजन ये है कि देखिए कोविड के दिनों में भी ओवरसीज ने रिकॉर्ड रेमिटेंस भेजा है, और इन हालात में जो पाकिस्तान ने सरवाइव किया और उसकी इकोनॉमी जो स्ट्रॉन्ग हुई है, तो उसमें सारा जो मेजर हैंड है वो तो ओवरसीज का ही है। अब ओवरसीज के देखे पूरी पूरी अगर दो दो फैमिलीज यहाँ आए तो चार चार फैमिलीज उनकी बैक होम पाकिस्तान में मौजूद है, और एवरी ईयर उनका जाना, फिर वहां पे सारा चीजों के इन्वेस्टमेंट करना, इसके अलावा लॉट्स ऑफ अदर स्टफ जो है वो हमारे ओवरसीज का राइट बनता है। और मैं ये समझती हूँ कि जितना राइट पाकिस्तान में रहने वाले शहरी का है उतना ही राइट जो है तो एक ओवरसीज जो है पाकिस्तानी उसका राइट है, क्योंकि दे गॉट डुअल नेशनलिटी। और दूसरे ऑन द अदर हैंड मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइक ये देखे कि मैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज के जो ओवरसीज है वो ज्यादा पैट्रियोटिक है, वो ज्यादा भी हिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, उनको ज्यादा पेन होता है क्योंकि वो दूर रह रहे हैं, और वो कभी किसी किस्म की कोई चीज होती है, अल्लाह ना करे कोई इशू कोई मसाइल भी आ जाती है, तो सबसे आगे आगे जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी होती है अपने मुल्क को कौम की खिदमत करने के लिए, या जो भी जिस लेवल पे भी उनको करना पड़े वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ये तो कोई चीज नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है, ये तो हर कोई इस बात से मतलब के वाजे तौर पे आगाह है कि जो ओवरसीज है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, कि जो पाकिस्तानी वहां रह रहे हैं उनसे ज्यादा लेवल पे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ देख लें या और जो भी चीजें हैं। और दूसरी तरफ आप देखो कि सारे मसाइल का शिकार भी ओवरसीज ही हो रहे हैं, उन्हीं की जायदादों पे कब्जे हैं, उन्हीं के साथ मसाइल है, उनको वोट का हक भी ना दो तो क्या है ये? आप खुद इस पे मतलब देखें, इट डजंट मेक सेंस टू मी, डज इट मेक सेंस टू यू? तारिक साहब आप खुद इस पे माशाल्लाह से देख सकते हैं जी बिल्कुल। आपने तो कहा ये कि देखें। हम पैसा भेजे, रेमिटेंस हाँ भेजे जी मुल्क की, हाँ जी वो ओवरसीज पाकिस्तानियों पे चले, लेकिन वो हाँ ओवरसीज जी पाकिस्तानी जब वोट का हक मांगे, इलेक्शन मांगे का हक मांगे, तो उन पे हाँ ट्रस्ट जी नहीं किया जा सकता। अच्छा मैडम हाँ चलिए जी इस पे हम बाद में बात करते हैं। अभी आप एक छोटा सा सियासी सवाल है कि पीडीएम इंतजार का शिकार है, क्योंकि टाइम काफी जाया हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि चंद इन मिनट्स में जो है हम इसको सम अप कर लें। वो पीडीएम जो है वो इंतजार का शिकार है। आपको क्या इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करती नजर आ रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
हाँ जी, मैं बिल्कुल ये कहूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी बेस्ट। हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, इज वेरी नाइस पर्सन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एवरीवन नोज के वो पर्सनल अपनी जायदादें दूसरे मुल्कों में बनाना या और लॉट्स ऑफ स्टफ, इस किसी चीज में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात जो है मैं क्लियर कर दूं, और दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो अपना टाइम पूरा करेगी। और मेरी ऑन द अदर हैंड जो अपोजिशन है, जो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली उनको अच्छे तरीके से उनका टाइम जो है वो उसको पूरा करने दे। और इन्होंने ये जो पीडीएम है, इनके ये सारा पार्टीज का आपस में जो अपोजिशन थी, इनके जो मामला चले हैं, जो भी इश्यूज सामने आए हैं, कि पार्टीज का अपने अंदर ही इतफाक नहीं है। लाइक देखे कि मरियम नवाज के जो है वो कुछ बयानिया आ रहे हैं, ऑन द अदर हैंड जो है वो शहबाज शरीफ कुछ कर रहे हैं और नवाज शरीफ का कुछ आ रहा है। मतलब आपस में भी इनकी कोई जो है ना वो बाउंडिंग नजर नहीं आ रही है, कि वो आपस में एक दूसरे को पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। और फिर आप दूसरी तरफ उनको भी देखे, पीपुल्स पार्टी का भी यही चीजें हैं, उनके अंदर भी कोई उस तरह से देखने में नहीं आ रहा है इत्तेफाक के लायक वो। और फिर आपस में भी ये तीनों पार्टी, वो मौलाना फजलुल हक हो गए, ये मरियम नवाज हो गई, ये इधर से बिलावल, और ये लोग भी आपस में जो है ना वो इंतजार का ही शिकार है। इनको इन चीजों के ऊपर नहीं देख, मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि ये स्पीडीएम के इस चक्कर ने गवर्नमेंट को और ज्यादा इस्तेहकाम बख्शा है, वो और मुस्तहकम हुई है, ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है गवर्नमेंट को। इस चीज का एक किस्म का फायदा गया है, इनकी आपस की खानाजंगी की वजह से, इनके आपस के जो मैटर्स हैं वो सामने आ गए हैं, और उसकी वजह से गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा मिला है। हाँ, और एक और सजेशन एज अ एनालिस्ट मैं ये बात यहाँ पे कहूंगी कि जो पीडीएम के हैं या जितनी भी सियासी पार्टीज हैं जो कि अपोजिशन में है, तो इनको ये चाहिए कि अपने अभी इलेक्शंस आने वाले, देखिए वो अपना मोर देन हाफ टर्म पूरा कर चुकी है गवर्नमेंट, लाइक अबाउट 3 इयर्स होने वाले हैं। तो अब कहने का मतलब यह है कि रेस्ट ऑफ जो पीरियड रह गया, इनको चाहिए कि अपने कारकर्दगी को बेहतर बनाए, इलेक्शंस की तैयारियां करें, और उनके अकॉर्डिंग जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए। मैं ये नहीं कह रही कि वो बैठ जाएं और वो हाईलाइट ना करें, वो जरूर करें जो उनको चीज वाकई लग रही है, लेकिन जो चीज ठीक है उसके ऊपर बात करें ना। जो मतलब मुखालफत, बड़ाई मुखालफत करने की जरूरत नहीं है, या फिर वो जो कहते हैं ना चीप पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए कि ओनली बयानबाजी, उसने ये कर दिया, इसने वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं बल्कि एक और चीज आई वांट टू ऐड अप कि इन पार्टीज के अलावा अभी वो जहांगीर तरीन का आप देखे, वो तरीन ग्रुप जो बना हुआ है, अब उसके ऊपर जो बातें आ रही हैं और वो कर रहे हैं, ये तकरीबन हर कंट्री में ये ऐसी चीजें और पॉलिटिक्स एवरीवेयर ये चीजें होती हैं, इस तरह के ग्रुप्स और इस तरह की चीजें आती रहती हैं। लेकिन मैं ये समझूंगी कि इसने भी हमारे जो है इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई को, इन्होंने काफी ज्यादा इसका भी इनको बेनिफिट ही मिला है, ये जो चीजें जो है वो खुल के सामने आ रही है। और फर्स्ट टाइम एवर आपने देखा है कि इस गवर्नमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो वो अपने लोगों को, जैसे ये रिंग रोड का इशू है, तो उन्होंने किसी को भी माफी नहीं दी है, वो सबकी इंक्वायरी करवाती है। ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसने अपने, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो उनके अपने जो है वो मिनिस्टर्स हैं, चाहे उनके जो वो स्पेशल असिस्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर लाइक आप मुआवने खसूसी है, कोई भी है, आप शुरू गवर्नमेंट से देखते आ रहे हैं कि वो टाइम टू टाइम इंक्वायरी मस्ट करवाते हैं। ऑन द अदर हैंड मैं ये कहूंगी कि उसके रिजल्ट्स, वट एवर जो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो पब्लिक के सामने एक चीज, एक प्रॉब्लम जो भी है वो सामने हाईलाइट होके आ तो जाती है ना, कि भाई ये चल रहा है। अदरवाइज तो यू डोंट नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये चीजें जो है वो हो रही है। तो सो मैं तो यही कहूंगी कि जो पीडीएम है उनको अभी होश के नाखून लेने चाहिए। अभी एक पीडीएम में आई डोंट थिंक सो कि वो सारे अभी एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं या क्या नहीं बोल रहे हैं। तो सो दैट्स वाई मैं यही कहना चाहूंगी कि सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे अकलमंद हजरात हैं, और उनके पास पोलिटिकली बहुत ज्यादा, मैं समझती हूँ कि एक्सपीरियंस भी है। तो सो उनको अदर साइड पे आप देखें कि आप समझती हैं कि इसी चक्कर में इमरान खान ने क्या इकॉनमी को भी बेहतर किया, महंगाई भी बहुत ज्यादा है, लोग शोर डाल रहे हैं, महंगाई का बड़ा मसला है। क्या आने वाले वक्त में आप समझती हैं कि खान साहब ने जैसे कह रहे हैं कि इकॉनमी बेहतर हो रही है, हम जो है वो मतलब अच्छे मुल्क जो अच्छी सिमत की तरफ जा रहा है, इस जो बजट में आप समझ रही हैं कि तनख्वाहें बढ़ेंगी, महंगाई में कमी करने की कोशिश की जाएगी? हाँ जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि बिल्कुल वो अपने तौर पे कोशिश कर, देखिए एक इतने टाइम से कंट्री में खराब पैदा हुआ है, मसाइल का शिकार है,
वो एक मिनट ओवरनाइट कैसे ठीक कर दें चीजों को, नहीं हो सकती ना, उनको स्टेप वाइज ही ठीक करना पड़ेगा। फिर जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू के जो हमारे वजीर आजम साहब है वो तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली कैबिनेट बनाई है, जाहिर है गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको बाकी एक प्रोसीजर है ना, एक स्टेप सब चीजों को फॉलो करना पड़ता है, तो उनको वो चीजें, वो मशीर, वो वजीर जो कि दूसरे गवर्नमेंट्स में ऑलरेडी सर्व कर चुके थे, उनको उन्हीं का सामने, जाहिर सी बात है उनको लेके अपनी गवर्नमेंट को बनाया है, तो वो उसमें भी स्ट्रगल करके सम टाइम वो कोई चीजों को इम्प्लीमेंटेशन अगर करना भी चाहते हैं तो वो चीज उस तरह से अवाम तक नहीं पहुंचती या वो चीजें जो है उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती है जिस तरह के वो चाहते हैं। दूसरा रहा कि महंगाई की बात, तो हर गवर्नमेंट में अपने लेवल की महंगाई तो होती है, इस गवर्नमेंट में भी महंगाई हुई है, नो डाउट के लोगों को प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा फेस करने को मिली है, लेकिन उन्होंने अपने जो है काफी ज्यादा इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और काफी ज्यादा कर्जे भी उतारे गए हैं, काफी ज्यादा चीजों में बेहतरी आई है, जो कि शायद इस टाइम बिल्कुल आम जो आम आवाम है, शायद जो लोकल लोग हैं जैसे कि सुपरमार्केट में वर्क करने वाले या अदर जो भी है, शायद उनको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा इस टाइम, वो समझ रहे होंगे कि बहुत ज्यादा मतलब कि हालात खराब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर महंगाई आ रही है, इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये चीजें अपने अच्छे बेटरमेंट की तरफ जरूर जाएंगी। महंगाई तो महंगाई का जिक्र तो मैं यहाँ भी करना चाहूंगा, अभी हाल ही में जो कातालोनिया गवर्नमेंट ने उसने तमाम जहाँ पे जिसमें शुगर ऐड होती है जो मशरूबात में, उन्होंने 20% ईवा यानी टैक्स कर दिया, पहले 10% था, पेट्रोल भी बढ़ गया, महंगाई तो खैर। अच्छा मैम, आप इंसानी हकूक की अलमबरदार भी हैं, आप इंसानी हकूक के लिए काम करती हैं, आप एनजीओ चलाती हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्क है आपका पाकिस्तान में, आप स्कूल वगैरह अपना, लेकिन मेरा सवाल जो स्पेसिफिक इस हवाले से है कि फलस्तीन और कश्मीर और इसके अलावा पूरी दुनिया में जहां जहां भी इंसानी हकूक की जो मामलात हैं, जहां पे पमाली हो रही है इंसानी हकूक की, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कश्मीर और फलस्तीन को, जरा प्लीज इस पे जरा जरूरी बात कीजिएगा। हाँ जी, मैं बिल्कुल यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि दो चीजें आई वांट टू एक्सप्लेन। पहली बात तो ये है कि काफी टाइम से ये मजालम और ये सारी चीजें बहुत टाइम से हो रही है ना, बहुत सालों से ये सारी चीजें हो रही हैं, और चीजें भी उनको ठीक करने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने अपनी मतलब पार्लियामेंट्स में भी और हाई लेवल पे भी इस बारे में काफी ज्यादा जो है ना वो वर्क किया गया है और बहुत ज्यादा स्पीचेस की गई हैं, मैं इसको ये लफ्ज दूंगी। हाल में ही हमारे माशाल्लाह से वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त किया, आई रियली अप्रिशिएट दैट, उनके जो इनिशिएटिव था, चीजें हैं बड़ी अच्छे से है। फिर हमारे अपने जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी जब जाके अपना वो किया था कश्मीर पे, तो वो भी एक बहुत ज्यादा आई रियली मच अप्रिशिएट, इस बात को भी बहुत ज्यादा करूंगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि पहली बात तो ये है कि दुनिया में बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए, क्योंकि देखिये मैं दो चीजें वही आपको कह रही थी कि इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पहली चीज ये है कि जो तरीकाकार है हमारे लोगों के एहतजाज करने का, ठीक हो गया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर कंट्री में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान और यूके और कनाडा और यूएस, एवरीवेयर लोग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर वो इस ये जो अपने हंगामे वगैरह या जो भी पुरामन एहतजाज वगैरह कर रहे हैं उनको इसके बजाय उस जगह पे जाके रिटर्न चीजें या उस चीज पे जोर देना चाहिए जिसके वजह से कोई हल निकल के आए ना। बहुत सारे आपको पता है एहतजाज हो जाते हैं, हाँ जी वहां रैली निकल आई है, वहां पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, एंड दैट्स इट, एंड आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स जो है ना वो चीजें बिल्कुल फिर से सेटल डाउन हो जाती है, फिर अगेन कोई इसी तरह का वाक्य पेश आएगा, दोबारा से लोग बाहर सड़कों पर निकल के आ जाएंगे। तो इट डजंट मेक सेंस टू मी ना कि आपको जब कोई वाकया होना है तो ही आप प्रोटेस्ट करने के लिए आएंगे, आपको पूरा साल इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से जो कि पार्लियामेंट्स में जो हाई लेवल पे हाई जेंट्रीज है और आम पब्लिक जो है वो अपने एरिया के लाइक जैसे आपके एरिया के आप इस बोल सकते हैं MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं या जो भी है उस लेवल पे जाए, फिर जो ह्यूमन राइट्स की स्पेशल जो मिनिस्ट्रीज हैं उनमें जाके अपनी गुजारिशात पेश करें, यानी कि एक अपने एरिया का जैसे काउंसलर हो गया या एनी अदर जो भी आपके मेन हेड हैं उनके पास आप रिटर्न जाके दे के आए, अपनी एक वो साइन करें पिटीशन और अपनी चीजें, और वहां पे जब रिटर्न फॉर्म में जाए
तो उनको पता चले कि हाँ जी ये एहतजाज भी हो रहा है और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी हो रहा है, ताकि उस चीज का कोई हल निकले ना, खाली नारेबाजी से या प्रोटेस्ट करने से उन लोगों को, मजलूमों को तो कुछ नहीं मिल रहा, ना तो कोई हल निकला है, ना उसमें कमी हुई। आप देखिए कश्मीर में भी कोई कमी नहीं, उधर से फलस्तीन में भी आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई जो है वो उनको फायदा नहीं पहुंच रहा। तो काम वो करना चाहिए जिससे कि उन मजलूमों को फायदा पहुंचे, और उस चीज के ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बाकी के जो भी हमारे कंट्रीज हैं, आप उसमें देखें यूएन है या दूसरे हैं, वो लोग अगर चाहें तो इसको बहुत जल्दी इस मसले का हल निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए इन कंट्रीज में जानवरों के हकूक है, ठीक है, दरख्तों के हकूक है, मतलब कि इंसान तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज का भी उन्होंने राइट रखे हुए हैं, तो वो भी तो इंसान नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसको राइट तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने की और वहां पे पहुंचाने की पार्लियामेंट में जरूरत है, क्योंकि हमारे जो नुमाइंदे पार्लियामेंट में होते हैं वो जस्ट उस पर अगर एक पेज की स्पीच कर दी या लिख के ले गया और उसके ऊपर बैठ के उन्होंने बात कर दी, वाकिया को हाईलाइट कर दिया, आई डोंट थिंक सो इज इनफ। ये इनफ नहीं है कि आप वहां बोल आयो, उसके देखे बोल देना तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं जैसे 6 घंटे बात करवा लो तो कोई उसका फायदा तो नहीं है, आपको बोल के उसका रिजल्ट दिखाना फिर तो फायदा होना। कितनी गवर्नमेंट्स आई आपको पता है, वेरी हाई लेवल पे हर कंट्री में, हर पार्लियामेंट में लोगों ने इस इशू को हाईलाइट भी किया है, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान, यूके, यूएन, किधर पे भी आप जाए सब जगह पे इन चीजों के बारे में बात होती है। सब बात होने का तो कोई फायदा नहीं है ना, इसके लिए कोई स्पेशल एजेंडा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। मुझे नहीं पता इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि एज सून एज पॉसिबल मैं इसके ऊपर एक जो है वो कंपेन स्टार्ट करूंगी कि ये जो एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे भी, और जैसे कि ऑलरेडी मैं जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इंटरनेशनली वर्क कर रही हूँ फॉर ह्यूमन राइट्स, जैसे जेलों में जाना, जेलों के विजिट्स करना, फिर ओवरसीज के अदर प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉर्ट आउट करना, तो ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त आएगा। और ये जरूरत है कि हर बंदा अपने अपने लेवल पे लाइक इंडिविजुअली उसके ऊपर सोचे, थिंक करे और अपनी चीज को हाईलाइट करके, राइट डाउन करके वहां तक लेके जाए और अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज और अपने दिमाग के मुताबिक, हो सकता है कि जो चीज मेरे माइंड में नहीं आ रही या हाई जो प्रोफाइल लोग हैं उनके माइंड में नहीं आ रही, तो शायद किसी आम पब्लिक के बंदे के माइंड में इतना अच्छा आइडिया हो या कोई ऐसी चीज हो, सजेशन हो, तो वो उसको राइट डाउन करके अपने, मुझे पता है कि किसी से कॉन्टेक्ट करना इज वेरी हार्ड ना, कि वो डायरेक्ट से किसी मिनिस्टर के पास या पार्लियामेंट में या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास शायद नहीं जा सकते, लेकिन उसका इजी वे ये है कि वो लोअर लेवल से लाइक लोकल गवर्नमेंट लेवल पे जाके तो अपनी जो है वो लिखी हुई जो भी सजेशन है, जो भी चीजें हैं, तजवीजें हैं, वो पेश करें। हो सकता है 1000 और 1000 में से कोई एक या दो दिमाग की तजवीज ऐसी हो जो कि काम आ जाए और क्लिक कर जाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके तो ये मसला जो है उसको हल किया जा सके। तो सो दैट्स व्हाई मेरा तो यहाँ पे यही कहना है। और एक मैं और यहाँ पे बात, सॉरी वाना ऐड अप वन थिंग मोर, कि देखिए जैसे माशाल्लाह से मैं जेलों में जाना और लोगों के डिटेंशन सेंटर में जाना, जैसे उनको फोन करने के प्रॉब्लम होती है, उनको थोड़ा सा पैसों के हवाले से थोड़ा उनको सपोर्ट करती हूँ, इस तरह करती हूँ। तो मैंने एक माशाल्लाह आपके इधर बार्सिलोना में जो कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट जनरल साहब इमरान अली चौधरी साहब, उनका मैंने काफी ज्यादा ना सोशल मीडिया पे भी देखा है, फिर पाकिस्तानी चैनल, टीवी चैनल जो मेन स्ट्रीम है, मीडिया है, उन चैनल्स पे भी देखा, फिर स्पेशली C44 जो है उस पर काफी ज्यादा मैंने ना न्यूज़ जो है वो सुनी है उस बारे में, और बड़े चर्चा में है ये चीजें कि वो माशाल्लाह से उन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स का पिक करके रख दिया है माशाल्लाह से, कि वो डिफरेंट लाइक वो इंसानी हकूक के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, और फिर उन्होंने स्पेशली जेलों में जाके जो लोगों के ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के जो भी उनके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, जो भी इशू है, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। कुछ यू बिलीव दैट कि मुझे फोन्स पे यही पासपोर्ट के और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, यूएस से भी, कनाडा से, यूके के अंदर भी बहुत सारी ऐसी, और भी यूरोप से भी, इसके अलावा और भी कंट्रीज कई है जिस तरह से
मैं उनके प्रॉब्लम्स को जाके सॉर्ट आउट करना, फिर अम्बेसी से राबता करना, तो उनको ऑलवेज अम्बेसी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं एज अ ओवरसीज, कहते हैं ना वॉइस ऑफ ओवरसीज। मैंने बहुत जगह पे इस चीज को जाके तो पॉइंट आउट किया है कि प्लीज इनके ये प्रॉब्लम्स है, इनको अच्छी तरह से इंटरटेन करके, इनको हेल्प आउट करके वापस घर जाना है, तो उनके लिए प्लीज आसानी पैदा करें ना अपने मुल्क और कौम के लिए, जिस वजह से ये जो है बनाई गई है अम्बेसियां और कॉन्सुलेट्स वगैरह, ये इसी पर्पस के लिए ना कि पाकिस्तानियों को हेल्प आउट किया जाए और उनके मसाइल को कम किया जाए, ना कि ज्यादा किया जाए। तो ये लोग अगर करते हैं तो उसके लिए माशाल्लाह से मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं यहाँ पे उनको एक किस्म की कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहना शायद आपके आवाज में को इमरान अली चौधरी साहब को, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं, अभी तक हुई है। चलें मैम, जब आप हैं, मैं थोड़ा सा आपने जब भी इस बात का जिक्र किया तो मैं ऐड करना चाहूंगा कि वाकई इमरान अली चौधरी साहब ने अपनी कॉन्सुलेट को एक ऐसी कॉन्सुलेट बनाया है कि जहाँ पे आप एक ही छत के, आप एक दफा कॉन्सुलेट में इन हो जाए वहां पे आपको बाहर जाके कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कंटीन टाइप, मदर फीडिंग का सिस्टम, बच्चों के खेलने के लिए जगह, बहुत आउट क्लास बनाया। और सबसे बड़ी बात जो आपने जिक्र किया, जैसे आप भी जेलों में जाते हैं और वहां पे जो कैदियों के लिए काम करती हैं, इसी तरह कॉन्सल साहब ने कैदियों के लिए पासपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे स्पेन में जैसे आपको आइडिया होगा कि बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो पासपोर्ट का होना है, पासपोर्ट के बाद यहाँ पे 3 साल बाद जो है आपको लीगल स्टेटस के लिए जो आपके चांसेस होते हैं, उस हवाले से सीट साहब ने बहुत सारा काम किया और यहाँ पे हजारों के हिसाब से लोगों को पासपोर्ट दिए। मैडम बहुत शुक्रिया इसके बात का। अभी थोड़ा सा जो हम नेक्स्ट आपके कोलैबोरेशन के साथ हम मिलके एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं हम दोनों, उस हवाले से थोड़ा सा अपने नाजरीन के लिए जो खुशखबरी है वो शेयर कीजिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और उसका नाजरीन हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या फायदा होगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आपसे मेरा काफी डिटेल में डिस्कस हुआ था इस मैटर के ऊपर, तो उसमें हम जो है ना, पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वो प्रोग्राम होगा होप फॉर द होपलेस। इसके बिहाइंड रीजन ये है क्योंकि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा जो चैरिटी है, उसका नेम भी है होप इंक्लूजन, होप फॉर द होपलेस। तो सो दैट्स व्हाई ये वही से मैंने लिया है कि जो भी लोग हैं उनको जिस किस्म के भी इश्यूज हैं, नॉट ओनली कि मैं कहूँ कि उनको लीगल इश्यूज है, अनदर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम जो है वो इसके अंडर लोगों के लिए डिफरेंट कैटेगरीज, विच आई एक्सप्लेन यू, मैं आपको बताऊं तो हम इस नाम से एक रेगुलर एवरी संडे को एक प्रोग्राम करेंगे। नॉट ओनली कि हमारा वो, हाँ जी इंशाल्लाह ताला कि वो हमारा एक प्रोग्राम की हद तक होगा, हम उसको प्रैक्टिकल में किस तरह लेके जाएंगे वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होगा कि पूरी दुनिया में जितने भी हमारे ओवरसीज बहन भाई हैं, उन सब के मसाइल और उनके हल, नॉट ओनली के मसाइल, उनके जो हल है उनके ऊपर बात होगी, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि मैं ऑलरेडी मसाइल को हल कर ही रही हूँ इंटरनेशनली, तो सो स्पेशली ये प्रोग्राम क्योंकि वहां पे बहुत सारे ओवरसीज देखते हैं, और नॉट ओनली के इंटरनेशनली, स्पेशल इन स्पेन, बिकॉज यू बेस्ड इन स्पेन ना, तो आप स्पेन में है तो उससे, हाँ जी, तो उससे हमारे बहन भाइयों को जो वहाँ लोकल है उनको क्या बेटरमेंट हो सकती है, उसके हवाले से भी ये है कि वहां पे हम एक कंप्लेन सेल बनाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला विद इन 2 to 3 weeks टाइम हम उसकी भी ओपनिंग कर देंगे, एड्रेसेस वगैरह भी मैं सारे शेयर करूंगी। कंप्लेन सेल में ये हो जाएगा कि जो भी स्पेन में लोग मौजूद हैं उनको लीगल और जो उसके अलावा अदर प्रॉब्लम्स है, नॉट ओनली इन द लीगल फील्ड और रेस्ट ऑफ जो भी उनके इश्यूज हैं पेपर वर्क के हवाले से, या वैसे कम्युनिटी के हवाले से, या पाकिस्तान के हवाले से, या स्पेन के अंदर रहने के हवाले से, इनसाइड द स्पेन भी जो भी उनको प्रॉब्लम है उनके मसाइल को हल किया जाएगा और उनसे जो भी चीजें होंगी वो सारी कलेक्ट की जाएंगी। ओके, फिर इसके अलावा ये चीज करेंगे कि यहाँ पे इस प्रोग्राम के तवस्त से लोग जो है वो अपने अपना क्वेश्चन या ना जिस भी वे से वो यहाँ पे अपने क्वेश्चन जो है वो छोड़ेंगे, जो कि वो चाहते हैं कि उनको कोई मसाइल है या एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसका वो आंसर चाहते हैं, ठीक है, कि चाहे उन्होंने कहीं पे इमिग्रेशन करनी है या कोई भी, मैंने बताया ना कि ये टोटल हमारी कम्युनिटी के लिए है, ठीक है, किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो वो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा, जवाब देने के साथ
जो भी उसके अकॉर्डिंग हम उसके हल कर सके वो हल भी पेश किए जाएंगे, हम क्या हेल्प आउट कर सकते हैं, क्या चीज है क्या नहीं है, तो वो हम लाइव उनको उस सवाल का जवाब देंगे, उनका पूरी डिटेल्स को शेयर हाँ जी इंशाल्लाह करके, अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम उनकी डिटेल्स हाइड करके उस सवाल को ओनली वहां पे बता के तो उनका मसले का हल कर दिया जाएगा, डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है, उन चीजों को हम हाईलाइट करेंगे और हर लेवल पे किसी भी लेवल पे जाके अगर हमें उनको हेल्प आउट करना पड़ा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे या वगैरह मीडिया के या किसी भी लेवल पे जाके उनका हमें आवाज उठानी पड़ी, हम उन मसाइल के लिए आवाज भी उठाएंगे और उनका हल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, एक और चीज आ गई, चीज ये आ गई कि जैसे मैंने आपको आई ऑलरेडी टोल्ड यू के अबाउट माय स्टफ के लोगों को हेल्प करना चाहती है, तो मैंने पाकिस्तान, क्योंकि आई एम प्राउड पाकिस्तानी, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन चीजों में डिफरेंट में मैं कर चुकी हूँ, तो हमने टूरिज्म लास्ट ईयर स्टार्ट किया था अपना, तो फिर वो कोविड की वजह से थोड़ा सा कुछ चीजों में वो आपको पता है इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से उसको हो नहीं सका ना, लेकिन ये है कि वो भी हमने यहाँ हमारी कॉन्सुलेट जनरल है वो भी बड़े अच्छे हैं तारक वजीर साहब, उन्होंने भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बड़ी ज्यादा उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो विद कोऑर्डिनेशन विद हिम बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद मैंने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान के टूरिज्म को भी प्रमोट करेंगे, नॉट ओनली कि पूरे यूरोप का, पूरे वर्ल्ड वाइडली हम कर रहे हैं, फिर उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिनमें इस्लामिक विजिट्स भी आ जाते हैं, तो मैंने स्पेन को भी चूज किया ना, स्पेन को इसलिए किया क्योंकि इसमें टू टाइप्स ऑफ थिंग है कि अगर आपने जनरल टूरिज्म करना है तो वो चीजें भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारा जो है ना इस्लामिक हिस्ट्री है, ठीक है, मतलब आप अपने उस चीज को भी प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे रहने वाले जो ऑलरेडी स्पेन में मौजूद है ना लोकल, तो दे कैन गो लाइक हम उनको इस प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा सा जैसे हम अपने टूर्स लेके जाएंगे, हम वो थोड़ी सी वीडियोस वगैरह शेयर की बातें शेयर कर देंगे कि अगर वो खुद से, मतलब वो हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो हमारे ग्रुप को नहीं भी ज्वाइन कर सकते तो वो खुद से बच्चों को लेके जा सकते हैं, अपना इस्लामिक वीरसा, अपनी हिस्ट्री जो भी है वो उस तरह की चीजें जो है उनको दिखा सकते हैं ना, वो लोकल है इतना ज्यादा इशू नहीं है, तो वो जाके वहां पे उस चीजों को भी किया जा सकता है, तो ये भी प्रमोट हो जाएगा। दूसरा जो पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया यहाँ पे, तो पाकिस्तान की भी जितनी समझे कि उसकी ब्रांडिंग है, हर कंट्री का जो अपना उन्होंने जो है स्पेशल, आप ये समझ लें कि उनके ट्रेडिशन को, उनकी जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए सब लोगों की ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान का ब्रांड आपको कहीं नजर नहीं आएगा, उनका स्पेशली कल्चरल ब्रांड जो मैं बात करने चाह रही हूँ, इलाकाई ड्रेसेस हो गए, अदर स्टफ जो मसनूआत वगैरह होती हैं, तो कभी भी उस चीज को हाईलाइट नहीं किया। मैंने अभी एक ब्रांड रजिस्टर्ड करा है इसी हवाले से कि जो वो पाकिस्तान की जितनी भी ट्रेडिशन है, जितने भी इलाकाई उनके क्लॉथ्स हैं और मसनूआत हैं, उन चीजों को हम ऑनलाइन प्रमोट करेंगे कि लोग छोटी छोटी चीजें, ड्रेसेस वेरी चीप प्राइजेस पे उनको बाय कर सकते हैं। उसमें यह है कि वो अपने मुल्क और कौम के साथ बाउंडिंग स्ट्रांग हो जाती है, स्पेशली इन यूरोप एंड अदर कंट्रीज हैं, जैसे आई ऑलरेडी चीजों को मैं कर रही हूँ एक्सप्लेन वन बाय वन करके, तो उसमें बच्चे जो है, न्यू जनरेशन जो है, हम लोग जो है मोस्टली अपने बड़ों को जिस तरह वो पसंद करते हैं, तो वो नहीं, हाँ मतलब यंगर जो न्यू जनरेशन है उनको एक तो इतना नॉलेज नहीं है, दूसरा वो लोगों से पाकिस्तान की जो एक्सक्यूज माई लैंग्वेज के वो बुराइयां सुन के, क्योंकि उनको सिर्फ एक साइड बैड चीजें दिखाई जाती हैं, करप्शन दिखाया जा रहा है। आप इसे समझते हैं कि इस ब्रांड से आप अपनी न्यू जनरेशन जो यूरोप में या पूरी दुनिया में रहती है उसको पाकिस्तान के कल्चर के साथ जोड़ना चाहती है कि वो जुड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो पाकिस्तान के कल्चर के साथ भी जुड़े रहेंगे, और मैंने जो आपको बात कही है कि टूरिज्म के हवाले से कि उनके ग्रुप्स एंड टूर एंड वेरी ये नहीं कि नॉर्मल टूर्स की तरह, उनको डबल सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड होगा और वो देखेंगे कि उनके कंट्री में भी बहुत प्यारी ऐसी जगह मौजूद है जहां सैर की जा सकती है, वो एक जन्नत नजीर इलाके मौजूद है, और इस तरह से उनको उनकी एक बाउंडिंग और उनका एक ताल्लुक रिलेशनशिप जो है वो एक, मतलब कहें कि पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस जो है वो ब्रांड पिलाने का एक कोशिश है, मुस्बत चेहरा, और फिर वो फखर से कह सके कि हम पाकिस्तानी हैं, नॉट ओनली कि वो कहेंगे जी हम जो है वो कैनेडियन है, हम जो है वो ब्रिटिश है, हम स्पैनिश है, जर्मन, तो ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने खुद अपने स्कूल यूनिक कॉलेज में
खुद से ये चीजें देखी है। मुझे भी जब मैंने 5 ईयर बिफोर पहले मैंने जब ये स्टार्ट किया था पाकिस्तान में अपनी डिफरेंट सिटीज में अपने लॉ फर्म्स को सारे डिफरेंट ऑफिसेज ओपन किए और फिर स्कूल्स ओपन किए इवन के और इस तरह फिर विमेंस के लिए भी, तो ये सारा जो भी मैं चैरिटी वर्क कर रही हूँ और भी बहुत कुछ जैसे जेलों में विजिट करना, तो मुझे स्टॉप किया गया। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने भी और भी बहुत सारी चीजों पे मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा मतलब के मुखालफत का सामना करना पड़ा कि डोंट डू, क्यों क्यों कर रहे हो आप, आर यू क्रेजी और ये स्टफ। कि मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च की, बहुत बुक रीडिंग की, तो मैंने सोचा कि नहीं, बाकी के कंट्री में लोगों को जरूर जरूरत है हर चीज की, लेकिन सबसे ज्यादा पहले जो प्रियोरिटी है वो पाकिस्तान, वी आर प्राउड पाकिस्तानी, हम बहुत ज्यादा इस पे फख्र महसूस करते हैं। और जो चीजें हमारी न्यू जनरेशन तक नहीं पहुंच रही, अगर उसको स्मॉल ग्रास रूट लेवल से एक्सप्लेन किया जाएगा और बताया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती, देखिए सबसे पहले उनको हिस्ट्री, अपनी जो हमारी हिस्ट्री है जुड़ी हुई, जब मैं ये मसनूआत जो है हमारी आएंगी तो इसके साथ इनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होगी, वो स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम छोटा छोटा प्रोग्राम में एक सेगमेंट रखेंगे जिसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक एरिया को लेके, ना एक एक एरिया को लेके, फिर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को लेके, फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट मौजू इसमें शामिल करेंगे, फिर जो भी इश्यूज हैं इंटरनेशनली, आप ये समझ लें कि जो करंट अफेयर्स है आजकल जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो बैड रेपुटेशन का शिकार है अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजों में, उन पॉइंट्स को उसके अच्छाई और उसकी बड़ाई और उसका हल, वो चीजें भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे 5-5, 10-10 मिनट्स भी अगर हम करेंगे, जो कि बोरिंग प्रोग्राम नहीं होगा कि हम कोई जी हाँ जी वो से करेंगे ना, हाँ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा, लाइक उसको आप ये कह लें कि थोड़ा सा लाइट सा कॉमेडी एंड तंज और मजाक के सिलसिले में हम एक मैसेज भी कन्वे कर देंगे। और इंशाल्लाह ताला और बात कर रहे थे खवातीन और जो मेल हजरात है उनका, कोई आप सेपरेट भी टूरिज्म का सिस्टम ला रहे हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, नहीं नहीं ये दो चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। हम सबसे पहले जो चीज है वो मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने क्योंकि यहाँ पे रह के बहुत सारी चीजों पे वर्क किया, सर्च की चीजें, बहुत बड़ी बड़ी जो टूरिज्म की कंपनीज भी हैं सारा कुछ है, उसमें भी ये चीजें नहीं देखी जाती ना, वो सब आम जनरल सब को मिक्स एक ग्रुप को लेके जाया जाता है। मैंने यहाँ पे तीन चीजें कैटेगरी करी है ना, पहली तो ये है कि मिक्स गैदरिंग दैट्स फाइन ना, कि ठीक है मिक्स तो सारे जाते हैं जो जाना चाहे मोस्ट वेलकम। ऑन द अदर हैंड हम टेलर मेड जो है ना वो बना रहे हैं, ठीक है टूर्स, ठीक है इन टूर्स में ये चीज होगी कि स्पेशल फॉर द लेडीज, ठीक है जो सिर्फ औरतों का होगा और उसमें फैमिली हो सकती है जो बच्चे हैं, ठीक है जेंट्स नहीं अलाउ होंगे, सिर्फ लेडीज का, मतलब जो लड़कियां हैं या खवातीन हैं और उनके छोटे बच्चियां बच्चे जो होते हैं, हाँ जी छोटे बच्चे फैमिली में, वो बच्चों को तो साथ लेके जा सकती हैं दिया अलाउड ना, मतलब आप उनको स्पेशल लेडीज का कहेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे कि स्टूडेंट पैकेजेस, देखिए स्टूडेंट अपने पॉकेट मनी से भी कर सकते हैं तो स्पेशल स्टूडेंट डिस्काउंट्स होंगे उनके लिए ना, कि स्टूडेंट्स का जो है वो भी किया जाएगा, ठीक है उसके ऊपर। हाँ फिर एक ये है कि एक तो हम इंटरनेशनली टूरिज्म को प्रमोट करें, लाइक पाकिस्तान लेके जाना, सारे यूरोप में लेके जाना और भी जो अदर हैंड है ये करना, इसके साथ साथ डोमेस्टिक टूर भी होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑलरेडी कंट्री में रह रहे हैं, मतलब लाइक 2 दिन का टूर हो जाए, 3 दिन का टूर हो जाए, या फिर सेम डे भी कर सकते हैं, कि मतलब मॉर्निंग में गए हैं, अर्ली मॉर्निंग चले गए एंड 7 or 8 o'clock वापस आ गए हैं ना, लाइक कपल ऑफ आवर्स आप कह लेंगे, 8-10 hours का एक अच्छा सा उनका हो जाए जो नियरेस्ट प्लेसेस में उनकी हो जाएगी ना, अकॉर्डिंग टू द आप ये समझे, क्योंकि मैंने भी एक तरीकाकार है सजेशंस लोगों को सबको कहा कि आप करवाए कि जैसे अब हम यहाँ पे अपना वो प्रोग्राम करेंगे तो हम उसमें एक सेगमेंट ये भी रखेंगे कि जो सैर करना चाहते हैं इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री या वेयर एवर दे वांट, तो वो अपने दे सकते हैं कि आप हमारे लिए वो रابطہ कर सकते हैं और हम उनके लिए स्पेशल टेलर मेड, आई टोल्ड यू कि टेलर मेड का मतलब ये है कि अगर वो स्पेशल चाहते हैं कि हम इतने दिन का, मतलब अगर हमारा ग्रुप है तो 10 days है मगर वो चाहते हैं कि हमने 4 days करना है तो हम उनके लिए वो 4 days की अरेंजमेंट्स कर देंगे, या वो चाहते हैं कि हम सिर्फ अपनी फैमिली को लेके करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए कोई स्पेशल पैकेज आप डिजाइन कर दो तो हम उनके लिए वो भी कर देंगे। तो सो इट्स वेरी सूटेबल, जो कि इस टाइम कोई भी नहीं कर रही, कोई भी टूरिज्म कंपनी नहीं कर रही है, तो हम इसको करेंगे। और नॉट ओनली कि हम ये जो है सिर्फ टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं फॉर पाकिस्तान और फॉर द यूरोप, हम ये चाह रहे हैं कि हम इधर पे जो है इस्लामिक हेरिटेज को भी
प्रमोट करें और फिर हमारे जो है हज उमरा के पैकेजेस के औरतें हैं या इस तरह से उनको वो चाहें तो उसमें भी इंशाल्लाह जो है वो उनको एंटरटेन किया जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा वास्ट कैनवस है जिसके ऊपर के हम ना वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट कि हम इसके ऊपर एक अच्छे से जो है वो चीजें मैनेज भी करेंगे और एक अच्छा और पॉजिटिव फेस जो है वो लोगों तक जो है वो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू एक्सप्लेन? मेरा ख्याल अगर चाहे तो और बहुत सारी चीजें हैं इंशाल्लाह कुछ प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट छोड़ लेते हैं। जी जी नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम जरूर करेंगे बात, लेकिन इस वक्त तो हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम बात करेंगे क्योंकि टेक्निकल वजूहत की बिना पे हम जो मैं पहले लाइव प्रोग्राम करता था वो लेट भी हुआ, हम उस पे गए भी नहीं, जा भी नहीं सके, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट पे इसको पूरा प्लान कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे इसका, उसके बाद इंशाल्लाह जो है आप लाइव भी देख सकेंगे इसको, यूट्यूब चैनल पे भी देख सकेंगे, मैम के पेज पे भी आप जाके देख सकेंगे ये सारा प्रोग्राम हमने, मैंने रिकॉर्ड भी किया इसको, कोशिश की है। और अब जो है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है मैम ने आपको बताई कि वो इंशाल्लाह जो हम प्रोग्राम ला रहे हैं मैम के साथ मिलके वो सीरियल वाइज होगा, उसमें हम जो इस्लामिक टूरिज्म है और जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है और उसके अलावा जो आपके मसाइल होंगे, यानी हम एक मल्टीपल जो प्रोग्राम है वो आपको देंगे जहाँ पे आपको एक ही प्रोग्राम में सब कुछ देखने को सुनने को उसके मसाइल के हल के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एक दफा फिर माजरत के साथ कि आज हम आपको सही तरीके से एंटरटेन नहीं कर सके, कुछ लोगों के मुझे वॉइस मैसेज भी आए हैं कि जी आपका वो वॉइस नहीं आ रही, बहरहाल मैंने एनीवे मैंने इसको लाइव रिकॉर्ड किया, अब देखते हैं क्या बनता है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, जज़ाकअल्लाह।